आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की 92 में और 96 तक इनका करियर खत्म भी हो गया, लेकिन इन चार सालों में इन्होंने नींद उड़ा दी माधुरी दीक्षित की, एक फिल्म रिजेक्ट कर दी शाहरुख खान के साथ और काम कर लिया अक्षय कुमार के साथ। इतने कम सालों में इतनी ऊंचाई तक ये एक्ट्रेस पहुंच चुकी थी, लेकिन आज बॉलीवुड इंडस्ट्री से बिल्कुल गुमनाम है, गायब है। बात करेंगे माधुरी दीक्षित की लुक अलाइक कही जाने वाली फरहीन की। एक्ट्रेस फरहीन की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होगी। बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी और बड़े होकर उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में आने में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की 1992 की फिल्म जान तेरे नाम फिल्म से। ये फिल्म सुपरहिट रही। इस फिल्म ने रोनित रॉय जैसा बेहतरीन कलाकार इस इंडस्ट्री को दिया और फरहीन भी रातों रात इस फिल्म से चमक गई। सबसे ज्यादा चमकी अपने लुक्स के लिए, क्योंकि उनके लुक्स हूबहू माधुरी दीक्षित से मिलते थे, फीचर्स बहुत मैच करते थे और हेयर स्टाइल भी वैसा ही था। यही कारण था कि फरहीन इसी फिल्म के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में नोटिस हो गई। जान तेरे नाम फिल्म के बाद फरहीन को काफी फिल्मों के ऑफर्स भी आने लगे। इसी दौरान उन्हें साउथ फिल्म इंडस्ट्री से भी ऑफर्स आए और तब उन्होंने सभी तरफ का काम लेना शुरू कर दिया। कन्नड़ा, तमिल, हर तरह की फिल्मों में फरहीन काम कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने अक्षय कुमार के साथ सैनिक फिल्म की, आग का गोला, दिल की बाजी, तहकीकात, इन सभी फिल्मों में फरहीन नजर आई। फरहीन को कम ही समय में फिल्में आराम से मिल रही थी, उन्हें फिल्में पाने के लिए इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा था। इसी दौरान फरहीन को बाजीगर फिल्म भी ऑफर हुई थी। अब्बास मस्तान इस फिल्म को बना रहे थे और काजोल और शिल्पा शेट्टी में से एक किरदार फरहीन को ऑफर हुआ था, लेकिन फरहीन ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। इसके पीछे कारण ये था कि वो उस दौरान साउथ की फिल्में कर रही थी और उनके पास डेट्स नहीं थी, इसीलिए तब उन्होंने बाजीगर को मना कर दिया और साउथ की फिल्मों को चूज किया था। ये एक बहुत बड़ा चांस था जो फरहीन ने अपने करियर में मिस कर दिया। लेकिन इसके आगे भी फरहीन की लाइफ में कुछ ऐसा घटने वाला था जिस कारण उनका पूरा करियर ही बदलने वाला था। ये 94 में फरहीन की मुलाकात हुई कॉन्ट्रोवर्शियल क्रिकेटर मनोज प्रभाकर से। मनोज प्रभाकर से किसी पार्टी के दौरान फरहीन की ये मुलाकात हुई और मुलाकात प्यार में बदल गई। फरहीन अपनी नई जिंदगी को एंजॉय करने ही लगी थी कि उसी दौरान संध्या, जो कि मनोज की पहली वाइफ है, उनको इनके अफेयर के बारे में पता चल गया और ये बातें मीडिया तक आने लग गई। कहा जाता है कि चार सालों तक फरहीन को डेट करने के बाद मनोज ने फरहीन से सीक्रेट निकाह भी कर लिया और दोनों को एक बेटा भी हुआ। फरहीन अपनी पर्सनल लाइफ में इतनी ज्यादा बिजी हो गई कि 96 के बाद उन्होंने फिल्मों में काम ही नहीं किया और वो मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गई। इसी दौरान ये भी सुनने में आया था कि मनोज पर बेटिंग का भी इल्जाम लगा है। उनका नाम काफी कॉन्ट्रोवर्सीज में उछला और खबर ये भी आई थी कि संध्या, जो उनकी पहली वाइफ है, वो उन्हें डिवोर्स नहीं देना चाहती है और मनोज ने भी फरहीन को छोड़ दिया है और वो अपनी पहली वाइफ संध्या और उसके बेटे के साथ रहने चले गए हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री से निकलने के बाद फरहीन के साथ क्या हुआ, वो कैसी जिंदगी जी रही थी, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था और ना ही किसी ने जानने की कोशिश की, क्योंकि ये बॉलीवुड नए चेहरों की दुनिया है। एक जाती है, दूसरी आती है, ये वाला सिस्टम इस इंडस्ट्री में चलता ही रहा है। यही कारण है कि फरहीन कब गायब हो गई दुनिया को पता ही नहीं चला और ना ही किसी ने जानने की कोशिश की। 2015 में अचानक से फरहीन को लेकर खबरें आई थी कि एक एक्ट्रेस जो 90s में काफी पॉपुलर हुई थी, माधुरी दीक्षित के लुक्स के कारण वो फिर से कमबैक कर रही है। तब लोगों ने जानने की इच्छा जताई कि आखिर फरहीन के साथ इतने सालों में हुआ क्या, पिछले 15 सालों से वो गायब क्यों थी और कर क्या रही थी। तो इसी दौरान फरहीन ने खुद मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो अपनी फैमिली लाइफ में बिजी हो गई थी। मनोज से उनको दो बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है, दिल्ली में वो रहती है मनोज और अपने दो बच्चों के साथ। इसके अलावा संध्या से, जो मनोज को बेटा था, वो भी उनके साथ रहता है, उसकी अब शादी हो चुकी है और उसे एक बच्चा भी है। तो इसी तरह से वो एक बार स्टेप दादी भी बन चुकी है। फरहीन के कमबैक के पीछे की कहानी ये है कि उनकी जान तेरे नाम फिल्म के जो प्रोड्यूसर है वो इसी फिल्म का सीक्वल बना रहे थे और इसके लिए ही उन्होंने फरहीन को अप्रोच किया था। एक्ट्रेस के माँ का किरदार तब फरहीन को दिया जा रहा था और फरहीन ने इस किरदार के लिए हाँ भी कर दिया था, लेकिन बाद में ये फिल्म ही नहीं बनी।
तो इसीलिए ये पूरी बात कैंसिल ही हो गई। जब फरीन से पूछा गया कि अभी वो क्या करती है, तो वो फिलहाल अपना बिजनेस रन करती है। उनका स्किन केयर कॉस्मेटिक्स का बिजनेस है। उनके प्रोडक्ट लाइन का नाम है नेचुरेंस, जिसकी वो मैनेजिंग डायरेक्टर है और फेस भी वही है। कहा जाता है कि फरीन के इस बिजनेस का टर्नओवर करोड़ों में है। वो एक वेल सेटल्ड बिजनेस वुमन है और दिल्ली में ही रहती है। फरीन कहती है कि वो अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो गई कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ आना जाना हुआ ही नहीं। इसके अलावा बहुत कम सेलिब्रिटीज उनके फ्रेंड्स थे इंडस्ट्री से निकलने के बाद। वो शक्ति कपूर और आदित्य पंचोली से ही कांटेक्ट में थी। इसके अलावा इंडस्ट्री में वो किसी से भी कांटेक्ट में नहीं थी। हालांकि टाइम टाइम पर फरीन सुर्खियों में रही है। 2017 में फरीन तब सुर्खियों में आई थी जब उन्हें और उनके पति को कुछ गैंगस्टर्स ने लूट लिया था। उनके कार से पैसा और मोबाइल चुरा लिए गए थे। इसके अलावा 2019 में एक बार फिर फरीन और मनोज तब सुर्खियों में आए जब संध्या, जो कि मनोज की डिवोर्सी वाइफ है, उसने फरीन और मनोज पर उनका फ्लैट हड़पने का इल्ज़ाम लगाया था और इसके बारे में केस भी किया था कि संध्या को बिना बताए फरीन और मनोज ने उनके फ्लैट पर न सिर्फ कब्जा किया है बल्कि उसको बेचकर पैसा भी हड़प लिया है। फरीन आज अपनी फैमिली के साथ एक प्राइवेट जिंदगी बिता रही है और बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद उन्होंने भी मुड़कर पीछे नहीं देखा। बॉलीवुड में कई सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो आई और गायब हो गई, छोटे टाइम के लिए ही रही लेकिन उन्होंने सुर्खियां बहुत बटोरी। वेल, आपको क्या लगता है, अगर फरीन के पास्ट में कुछ चेंजेस कर दिए जाए कि उनकी मनोज से मुलाकात नहीं होती और वो अपने फिल्मी करियर को ही कंटिन्यू रखती, तो क्या वो माधुरी को टक्कर दे पाती? क्या वो उतनी हाइट्स तक जा पाती जितनी की माधुरी गई थी? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड के एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।